हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीहू एंड रुद्रा कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ मैथ्स वर्कशीट फॉर क्लास वन। इस वर्कशीट में हम देखेंगे कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो बच्चे यूकेजी क्लासेस में सीख कर आए हैं, और कुछ क्लास वन में जो नए कॉन्सेप्ट्स बच्चे सीख रहे हैं उनकी वर्कशीट। तो चलिए देख लेते हैं क्या है ये वर्कशीट। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इनको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर मतलब पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हम पहले देखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, देन 7, 8, 9। तो इस तरीके से इसको अरेंज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिल इन द बॉक्सेस विद दी साइंस। ये ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल का साइन लगाना है बच्चों को। तो देखते हैं, फर्स्ट है 7 greater than 3, 4, 9 is greater than 6, 9 is equals to 9। तो यहाँ पे कौन सा साइन लगेगा, इक्वल का। नेक्स्ट है 8 is less than 9, नेक्स्ट 9 is greater than 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राइट इन वर्ड्स, वर्ड्स में लिखना है। तो फर्स्ट क्या है, 63, SIXTY और THREE, 63। नेक्स्ट है 84, EIGHTY, 84, 99, NINETY, 99। नेक्स्ट है 76, SEVENTY, SIX। राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म, राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म मीन्स इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखना है, जैसे कि फर्स्ट ये दिया गया है 66, तो 6 tens and 6 ones क्या हो गया, 6 tens and 6 ones मिलाकर 66। नेक्स्ट है 48, 4 tens and 8 ones। नेक्स्ट 89, 8 tens and 9 ones। नेक्स्ट है 84, 8 tens and 4 ones। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन है एंड सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर। ये कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इसमें से बच्चे को चूज करना है स्मॉलेस्ट नंबर। तो देखिए 48, 41, 28 and 47। तो इसमें से बच्चों को चूज़ करना है स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 28, 77, 85, 90 एंड 90। नेक्स्ट है 25, 31, 42 and 18। तो स्मॉलेस्ट नंबर इज 18। आप इस टाइप से ये स्मॉलेस्ट नंबर एंड सर्कल करने के लिए दे सकते हैं। DIY वर्कशीट बना के आप बच्चों को घर पे इस टाइप से प्रैक्टिस करा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, एनसर्कल द लार्जेस्ट नंबर। अब इसमें क्या करना है, लार्जेस्ट नंबर को एनसर्कल करना है या सर्कल बनाना है। तो देख लेते हैं लार्जेस्ट नंबर वाला भी, 56, 78, 85 and 72। तो लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, 85, 49 and 67। देन लार्जेस्ट नंबर इज 88। नेक्स्ट है एड, चलिए देख लेते हैं एड। 9 में 3 ऐड करना है, तो 9 इन योर माइंड एंड 3 ऑन योर फिंगर्स, 9, 10, 11, 12, कितना हो गया 12। नेक्स्ट है 6 में 6 ऐड करना है, तो 1, 6 इन योर माइंड एंड 1, 6 ऑन योर फिंगर, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कितना हो गया 12। 8 में 5 ऐड करना है, तो 8 इन योर माइंड एंड 5 ऑन योर फिंगर, 9, 10, 11, 12, 13, कितना हो गया 13। नेक्स्ट है 16 में 12 ऐड करना है, तो पहले वंस वाले ऐड करेंगे देन टेंस वाले। तो 6 में 2 ऐड करना है, 6 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 8,
एंड वन में वन ऐड करेंगे तो टू। नेक्स्ट है 13 एंड 10, तो 3 में 0 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, 1 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, कितना हो गया 23। सबट्रैक्शन, नेक्स्ट थिंग सबट्रैक्शन देखिए, 6 माइनस 4 2, 9 माइनस 3 6, 8 माइनस 4 4, 2 माइनस 1 1 एंड 5 माइनस 3 2, 4 माइनस 2 2, 9 माइनस 3 6 एंड 6 माइनस 1 5। व्हाट कम्स बिफोर फर्स्ट नंबर दिया हमें 25, 25 से बिफोर क्या होता है 24, 30 से पहले क्या आता है 29, नेक्स्ट है 65, 65 से पहले क्या आता है 64। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कम्स आफ्टर, फर्स्ट क्या दिया है 10, 10 के बाद क्या आता है 11, 39, व्हाट कम्स आफ्टर 39 40, नेक्स्ट है 9, 9 के बाद क्या आता है 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कम्स बिटवीन एंड व्हाट कम्स बिटवीन 55 एंड 57 56 And what comes between 20 and 22? 21. And what comes between 19 and 21? 20. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाई करेक्ट ग्रुप, यहाँ कुछ नंबर्स दिए गए हैं और उनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा गया है। जैसे कि फर्स्ट देखते हैं, जैसे यहाँ 61 लिखा है और हमें यहाँ से मैच करना है, यहाँ से ढूंढ के। तो फर्स्ट है 61, तो हमें देखना है 61 को एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे। 6 tens and 1 1, 6 tens 1 1 कहाँ है, ये है। नेक्स्ट है 32, 32 मतलब 3 tens 2 1s, वेयर इज 3 tens and 2 1s, 3 tens and 2 1s। नेक्स्ट है 20, 20 के लिए 2 tens and 0 1। नेक्स्ट है 37, तो 3 tens and 7 1s। 48, 4 tens and 8 1s। नेक्स्ट है प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट बच्चों को क्लास फर्स्ट में बताया जाता है, तो कुछ इसकी भी वर्कशीट देख लेते हैं इसको कैसे करना है। प्लेस वैल्यू में फर्स्ट दिया है 16, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी 6। नेक्स्ट है 94, 94 में 9 की प्लेस वैल्यू क्या है 90। नेक्स्ट है 65, 65 में 6 की प्लेस वैल्यू क्या है, कैसे लिखेंगे 60। 86, तो इसमें क्या लिखेंगे 80 एंड 77, 77 में 7 जो वंस प्लेस पे है उसकी क्या प्लेस वैल्यू है 7। एंड 38, 38 में 8 की क्या प्लेस वैल्यू है 8। तो फ्रेंड्स ये थी कुछ आज की वर्कशीट, कुछ क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वर्कशीट, आज की वर्कशीट आपको कैसी लगी। अगर आज की वर्कशीट आपको हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि इस वीडियो से रिलेटेड कोई और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या कोई और कॉन्सेप्ट क्लियर करना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।